ये देखिए आप लोगों के लिए आज मैं स्पोर्ट्स वेयर में नई टी शर्ट लेके आ गया हूँ, प्लेन टी शर्ट लेके आ गया हूँ। ये टी शर्ट ज़्यादातर यूज़ होती है प्रिंटिंग के लिए, सब्लिमेशन वर्क के लिए। ज़्यादातर ये ग्रुप टी शर्ट हो गया, गणपति का ग्रुप हो गया या फिर कोई भी इवेंट वगैरह हो गया उसके लिए ये टी शर्ट यूज़ होती है। और इसमें कलर चार्ट की मैं बात करूँ तो आपको मैं एक बार कलर चार्ट दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये ग्रीन कलर है, ये वाइट कलर है, ये पर्पल कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ब्लैक कलर भी आ जाएगा, ब्लैक कलर बहुत चलता है टी शर्ट में। फिर ये सी कलर आता है, सी कलर भी बहुत चलता है। फिर ये नेवी ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर की डिमांड भी ज़्यादा होती है, नेवी ब्लू और ब्लैक ज़्यादा चलता है। फिर ये गोल्डन येलो कलर है, गोल्डन येलो कलर भी ज़्यादा चलता है। फिर ये पिंक कलर है, पिंक कलर की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है। फिर यहाँ पे ये ग्रे कलर है, ये रेड कलर है और ये लाइट ग्रीन कलर है, आपको दिख रहा होगा। इसमें टोटल 10-15 कलर आपको मिल जाएंगे, रेगुलर कलर जो रेगुलर चलने वाले कलर है, ज़्यादातर जो यूनिक कलर होते हैं वो भी मिल जाएंगे आपको इसमें। और इसमें आपको सारे के सारे कलर अच्छे होते हैं। सारे के सारे कलर कैसा है, आपको अगर आपको चाहिए वाइट कलर में आपको 100 पीस चाहिए तो भी मिल जाएगा, अगर 100 वाइट कलर में आपको 10 पीस चाहिए एक साइज़ में चाहिए तो भी मिल जाएगा। ये कैसा होता है, हम लोग ज़्यादातर क्या होता है इसको ग्रुप के लिए बनाते हैं। ओके, इसमें आपको कैसा रहेगा आपको मैं एक पीस ओपन करके दिखाता हूँ, क्वालिटी वगैरह कैसा रहने वाला है मैं आपको बताता हूँ कैसा रहेगा क्वालिटी वगैरह। आप देख सकते होगे 10-10 पीस की पैकिंग है, पैकिंग कैसा रहता है आप देख सकते होगे। ये देखो ये 10 पीस की पैकिंग आती है, ऐसा पैकिंग आएगा आपको। इसके अंदर आपको है ना ऐसा मिल जाएगा टी शर्ट का साइज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते होगे आप, ये डबल एक्सल साइज़ है, आपको दिख रहा होगा, साइज स्टैंडर्ड आती है। यहाँ पे आपको स्टिचिंग मिल जाएगी, आपको दिख रहा होगा स्टिचिंग इंटरलॉक आता है, ओवरलॉक आता है। और आपको सब टी शर्ट में, हमारे पास जितनी टी शर्ट है सब में ओवरलॉक मिलता है। हमारे पास ज़्यादातर इंक्वायरी आ रही थी इसके लिए मैं टी शर्ट लेके आया। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो।